खाओ पियो रज के ते जिंदगी जियो गज के। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो प्रोग्राम स्वाद आ गया। मैं आकांक्षा सोडी। दर्शको, पंजाबी है ना, अपने खान पीन पहरावे घूमन फिरन दे शौक करके ना बड़े मशहूर ने। ते एतो तक कि जदो असी घूमन फिरन जाने आ ते रस्ते दे विच हाईवे दे उत्ते ना बड़े तरह तरह के ढाबे होंदे ने। इन्हां ढाबिया का खाना ना किसी महंगे तो महंगे रेस्टोरेंट किसी होटल तो भी ना बड़ा ही वधिया लगता है। पता क्यों? क्योंकि इन्हां ढाबिया च वरते जाते ने ट्रेडिशनल मसाले, देसी मसाले। ते इसी करके मैं लेके आई हाँ मसालेदार मजेदार वीक, क्योंकि मसालिया वाला खाने का ना अपना ही एक जायका होंदा है। ते अज मसालेदार मजेदार वीक दे एपिसोड की पहली डिश है पंजाबी कलेजी मसाला। पंजाबी कलेजी मसाला बनाने लिए तुहानू केड़े केड़े इनग्रीडियंट्स चाहिए तुसी फटाफट नोट करो। मटन दी कलेजी, टमाटर प्यूरी, बारीक कट्टिया प्याज, दही, अदरक लहसुन दा पेस्ट, गरम मसाला, जीरा, जीरा पाउडर, हरा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, नमक, दालचीनी, छोटी इलायची, वड्डी इलायची, लौंग ते तेल। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰੈਸਿਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਡਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੇਜੀ ਮਸਾਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੌਂਗ, ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ, छोटी इलायची, दालचीनी, जीरा, ये सारे मसाले जानगे। एक छोटा चम्मच लगभग जीरा, जिन्नी क्वांटिटी है उस हिसाब ना, जिवें इत्थे मेरे कोल एक कौली मटन दी कलेजी है भर के, ते इहदे हिसाब ना मैं चार तो पांच लौंग पाए है। एक वड्डी इलायची फ्लेवर लई काफी है। चार पाइया मैं छोटिया इलायचियां, ते हुण बारी है दो पारी है मैं दालचीनी दे टुकड़े। बस सारे खड़े मसाले तुसी चेक कर लेने हैं हो गए कि नहीं। सारे खड़े मसाले हो गए है, इन्हां नूं रोस्ट करदे हां। हुण इहदे विच पावांगे असीं बरीक कट्टिया होया प्याज, प्याज नूं चंगी तरह भुनना है। प्याज भुज गया है, हुण इहदे विच पाउंदे आ टमाटर दी प्यूरी, इस दे नाल ही अदरक लहसुन दा पेस्ट। अदरक लहसुन दा पेस्ट ते टमाटर दी प्यूरी नूं चंगी तरह पकाना है। इहदे विच पावांगे नाल दी नाल सारे मसाले, हल्दी चम्मच दा चौथा हिस्सा, अद्धा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, क्योंकि असे जीरा ऑलरेडी पाया है तो जीरा पाउडर इन्ना का काफी है। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के मुताबिक, थोड़ी जी कसूरी मेथी। हुन पावांगे टमाटर नु पकान वेले, बाकी पावांगे बाद विच फ्लेवर दे लई। लो जी, चंगी तरह तड़के नु पकाना है। ए जड़ी रेसिपी है ना पंजाबी कलेजी मसाला, ए ना ईद दे त्योहार ते बड़ी ही खास तौर ते बनाई जांदी है, ते ओदो सारे त्योहार मनान दे नाल नाल इस दा आनंद भी उठांदे ने ते रज रज के खांदे ने उंगला चट चट के। तुसी भी घरे जदों बनाओगे ना कलेजी मसाला तो तुसी भी पक्का उंगला चट चट के ही खाना है, क्योंकि जेड़ी रेसिपी मैं तुहानू दस्सी है अगर तुसी पूरा डिट्टो इनू फॉलो करोगे तो मैनू पूरा यकीन है कि कलेजी मसाला बहुत स्वाद बनेगा। इस नाल ही गल्ला गल्ला दे विच देखो टमाटर चंगी तरह पुज गया है, तड़का बिल्कुल तैयार है। हुण दही नूं चंगी तरह फेंट के चंगी तरह फेंटना है इहनूं, ते इहदे विच पा देना। हुण दही नूं चंगी तरह पकाने आ। हुण इहदे विच पाने आ असीं कलेजी दे टुकड़े, कलेजी दे टुकड़े सारे इच पा देने हैं।
हुन हल्का जा पानी लगा के तुसी चाहो ता ग्रेवी वाला भी इसनु बना सकते हो, सेमी ग्रेवी सेमी ड्राई बना सकते हो, बिल्कुल ड्राई बना सकते हो, ओ तुहाडे अपने टेस्ट ते डिपेंड करदा है ते इस चीज ते डिपेंड करदा है कि तुसी इसनु खाना किदे नाल है। अगर तुसी सिंपल चपातियां दे नाल खाना है तां फिर तुसी ड्राई बना लो, ओ भी चल जाएगा। अगर तुसी चावलां दे नाल खाना पसंद करदे हो, कलेजी या चिकन नु, तां तुसी इसनु ग्रेवी वाला ते तरी वाला भी बना सकते हो। जिवें कि मैं क्या अपनी चॉइस है तुहाडी, मैं इसनू हल्का जिहा सैमी ड्राई बना रही हाँ, तो इन्ना क पानी लगाऊंगी कि बस भाफ चंगी तरह बन जाए और कलेजी चंगी तरह पक जाए। हुण इसनू ढक के मैं 10 to 15 मिनट उदों तक पकाना है जब तक कलेजी चंगी तरह पक नहीं जाती। उहदे वास्ते 10 to 15 मिनट काफ़ी है, तो 10 to 15 मिनट तुसी इसनू ढक के जब तक पानी चंगी तरह एबजॉर्ब नहीं हो जाता, थोड़ा सुक नहीं जाता, अपने अनुसार जिहड़ा बना लेना है। 10 to 15 मिनट हो चुके, कलेजी चंगी तरह पक गई होवेगी। चलो चेक करते हैं फिर। बहुत सोहनी खुशबू आ रही है, देख लेने हैं पहला कि हाँ कलेजी दे टुकड़े जेड़े है बिल्कुल पक गए है। इसको मिक्स करते हैं जिद्दा दी मैनू सैमी ड्राई सैमी ग्रेवी वाली चाहिए सी रेसिपी, उदा दी ही तैयार हुई है। हुण इहदे विच पाने हैं असी हरा धनिया, थोड़ी जी कसूरी मेथी होर, फ्लेवर दे लिए गरम मसाला चम्मच का चौथा हिस्सा, मिक्स कर दिया। इस दे नाल ही आज दी मसालेदार मजेदार वीक दी पहली रेसिपी बिल्कुल तैयार है, जिसका नाम सी पंजाबी कलेजी मसाला। ते हुण बारी इस नूं टेस्ट करन दी, ते मैं भी देख दिया कि ढाबा स्टाइल जेड़ी मैं बनाई सी पंजाबी कलेजी मसाला ए किदा दा बनया। स्वाद आ गया, बहुत वधिया है, मसालेदार है, लाजवाब है। तुसी देखो पंजाबी कलेजी मसाला दा एक क्विक रीकैप, नोट कर लो सारी रेसिपी सारे इंग्रेडिएंट। पंजाबी मसाला कलेजी बनाने लई सब तो पहला पैन दे विच तेल पाओ, फिर खड़े मसाले जिवें कि जीरा लौंग वड्डी इलायची छोटी इलायची दालचीनी इस दे विच पाओ, इस नूं भुन्नो ते फिर प्याज पाके भुन लो। टमाटर दी प्यूरी अदरक लहसुन दा पेस्ट पाओ, मसाले जिवें हल्दी चम्मच दा चौथा हिस्सा, जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर नमक कसूरी मेथी मिक्स करो पकाओ। इस दे बाद दही नूं चंगी तरह फेंट के इस विच पाओ, मिक्स करो पकाओ, कलेजी पा दो पकाओ। जदों बन जावे ते इस विच हरा धनिया कसूरी मेथी गरम मसाला पाओ, मिक्स करो। साडी पंजाबी कलेजी मसाला मसालेदार दही भिंडी, क्योंकि भिंडी मेरी बहुत फेवरेट है, ते एदा नाम भी ता कुड़ियां दे उत्ते है लेडी फिंगर, ते लेडी फिंगर दी अज रेसिपी है जिसका नाम है मसालेदार दही भिंडी, जिदे वास्ते तुहानूं केड़े केड़े इनग्रीडियंट्स चाहिदे तुसीं फटाफट नोट करो। कट्टियां होईयां भिंडियां, बारीक कट्टे प्याज, बारीक कट्टिया हरा धनिया, सरों दा तेल, तेज पत्ता, दही, गरम मसाला, जीरा अदरक लहसुन दा पेस्ट, हल्दी धनिया पाउडर कसूरी मेथी लाल मिर्च पाउडर ते नमक। तां फिर शुरू करदे आं अज दी बड़ी ही डिफरेंट जी रेसिपी है, क्योंकि तुसी नॉर्मल घरे जिहड़ियां भिंडियां बनांदे हो मैनूं पक्का पता है कि इस रेसिपी तो तां बहुत हटके हुंदियां हो, ते भिंडियां वास्ते अज दी नवीं रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट जी रेसिपी है, ते तुसी ट्राई जरूर करनी है। ते इहदे वास्ते सारे इनग्रीडियंट्स भी वक्खरे है, दही तुसी आम तौर ते भिंडियां दे विच नहीं पांदे हो। ते सब तो पहले स्टर फ्राई करना है असी भिंडियां नूं, कढ़ाई दे विच तेल पा के इन्ना के तेल पाना है कि भिंडियां स्टर फ्राई हो जान, सेका जा लवाना है असी उन्हां नूं। स्टर फ्राई करना की हुंदा है कि भिंडियां जिहड़ी लेस हुंदी है ना अंदर, ओह बिल्कुल खत्म हो जांदी है।
देखो मैं पहला ही नैपकिन लगा के अदा प्लेट तैयार कर ली सी क्योंकि जद भी मैं कोई ऑयलिंग वाला काम करती हाँ जिदे विच ज्यादा ऑयल वरत्या जाता है जिवें कि स्टर फ्राई हो गया डीप फ्राई हो गया तो मैं ना पहला ही तैयारी कर लैनी हाँ नैपकिन लगा के अदा प्लेट क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल जिहड़ा है तुहाडे कोलेस्ट्रॉल नूं वधाएगा इस करके जिन्ना हो सकता है एक्स्ट्रा ऑयल तुसीं नैपकिन दे उत्ते रिमूव कर देना है। तेल गर्म हो चुका है हुण पावांगे इहदे विच असीं कट्टियां हुईयां भिंडियां ਭਿੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਲੇਸਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲੇਸਦਾਰ ਭਿੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਛੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਲੇਸਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਕੜਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਸ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟਰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟਰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਸ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਰੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟਰ ਫਰਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਓਗੇ ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਿੰਡੀਆਂ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਰਾਂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਫੁਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਗੈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਫਲੇਵਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇਲ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਲੇਵਰ ਰਹੇਗਾ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਜ ਪੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਰਾ ਜੀਰਾ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਕਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਸ ਹਲਕਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੂਸੈਂਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੂਸੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸੇਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਫਟਾਫਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਅੱਧਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਇੰਨੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਚੁਟਕੀ ਜਿੰਨੀ ਹਲਦੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰ ਫਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ
जिन्ना दही दे विच पानी है ओ इन्ना नू पकान दे लई काफी है ते बस बिल्कुल कट सेक ते इन्ना नू 5 to 7 minutes लगने हैं बस ढक के पका लेना है। 5 to 7 minutes हो चुकी है, दही पिंडी तैयार है क्योंकि पिंडिया नू इन्ना की समा लगता है पकन दे लई। ते ए जड़ी रेसिपी सी ए सी हैदराबाद स्पेशल रेसिपी, उत्थे इस रेसिपी नू बड़ा ज्यादा पसंद किया जाता है। गैस कर दिया बंद ते कर दिया फिर टेस्ट इस नू। खुशबू तो वाकई बहुत सोहनी आ रही है ते जिद्दा दी मैनू चाहिए सी सैमी ड्राई सैमी ग्रेवी उदा दी पिंडी तैयार है। ते देखो दही दी वरतों कीती है, तुसी बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है, पानी दे नाल इहदा टेस्ट जिहड़ा है बिल्कुल खराब हो जाएगा, लेसदार हो जाएगी। ते दही इनू पकाने दे लई काफी है। बस कोई जवाब ही नहीं जी, स्वाद आ गया, बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत डिफरेंट टेस्ट आया है। ते तुसी नॉर्मल जिवें घरे पिंडिया बनांदे ना उस तो हट के नाश्ते दे विच एदा बनानियां ने अज तो तुसी शाही पिंडिया शाही अंदाज दे विच, क्योंकि एक बड़ा ही शाही जिहा इनग्रीडियंट असी यूज किया सी दही, ते डिश दा नाम सी मसालेदार दही पिंडी। तुसी देखो मसालेदार दही पिंडी दा एक क्विक रीकैप नोट कर लो, सारी रेसिपी सारे इनग्रीडियंट। मसालेदार दही पिंडी बनाने लई सब तो पहला कढ़ाई विच तेल पाओ, फिर गरम गरम तेल दे विच पिंडियां नू फ्राई कर लो। हुण इन्हां नू एक भांडे विच कढ़ लो, फिर कढ़ाई विच बचे तेल दे विच तेज पत्ता जीरा पाओ, इस दे बाद प्याज पाओ, इन्हां नू हल्का हल्का भुन्नो, फिर अदरक लहसुन दा पेस्ट पाओ, इस दे बाद दही पा के मिक्स करो, फिर मसाले जिवें नमक स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, चम्मच दा चौथा हिस्सा धनिया पाउडर, पिंडियां हल्दी ते कसूरी मेथी पा के मिक्स करो। तुहाडी मसालेदार दही पिंडी बन के तैयार है। दर्शको हुण बारी है जी किचन हैक्स यानी कि रसोई दे नुस्खियां दी। ते किचन हैक्स रसोई दे नुस्खियां दी जे गल करिए ता ए ऐसे नुस्खे हुंदे ने जो जाने अनजाने दे विच तुसी जो गलतियां कर दंदे हो किचन दे विच, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स च फस जांदे हो, या फिर किसी चीज तो अनजान हुंदे हो, कुछ चीजां तुहानू नहीं पता हुंदियां, उन्हां बारे ही हुंदे ने ए किचन हैक्स यानी कि रसोई दे नुस्खे। ते अज दे किचन हैक्स च गल करदे हां चावलां बारे। चावल दे विच हुंदा है भरपूर मात्रा दे विच स्टार्च, ते कई लोकां नूं ना इस स्टार्च जिहड़ा पचदा नहीं है, हैवी हो जांदा है, ते कुछ लोग इसी करके स्टार्च वाले चावल नहीं खांदे, यानी कि चावल नहीं खांदे, चावलां नूं अवॉइड करदे है, ताकि क्योंकि जिहड़ा इहदा स्टार्च हुंदा है ओह डाइजेस्ट जल्दी नहीं हुंदा। ते इस करके की करना है, चावलां दा स्टार्च किद्दां रिमूव कीता जावे, इत्थों तक कि जदों असीं गोदामां तों चावल लैंदे हां गोदामां विच स्टोर करन लई इहनां नूं बोरियां विच भर भर के रख्या जांदा, तरह तरह के कैमिकल्स पाए जाते हैं, चावल की खेती वेले भी तरह तरह के पेस्टिसाइड्स इनसेक्टीसाइड्स कीटनाशक जेड़े है वरते जाते हैं। उन्होंने सारे चंगी तरह वॉश करन दा एक अज मैं हैक तुम दस दिया। तुसी की करना है, चावल लेने हैं, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਖਤਮ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਟਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦਾ। ਸਟਾਰਚ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਮਸਲ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਚ ਸਟਾਰਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੁੱਧੀਆ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਵਲ ਸਟਾਰਚ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਚਨ ਹੈਕ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਚਨ ਹੈਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਸ ਇਹਨੂੰ 2 to 3 ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਦੁੱਧੀਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਵਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ।
ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਚਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਨਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਮਨਰ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਦੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਰੈਸਿਪੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਰੈਸਿਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਕੀ ਵਿਨਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਮਨਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਓ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰੈਸਿਪੀਸ ਤੇ ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਚਨ ਹੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ